मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ओ भगवान, क्यों अपन को सब धोखा देते हैं? क्यों, कहाँ है वे? बोल, बोलना। मुझे नहीं पता भाई, मिले हुए काफी दिन हो गए। बोल, बोल कुत्ते, सच सच बोल। सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कल मिलने के लिए फोन किया। कहाँ? देवी माँ के मंदिर में, उसने मुझे वहां पर बुलाया। क्या कर लोगे तुम? मार दोगे? नहीं, मार दोगे? अभी हम तुमको मजा चखाता है। बोल, मार दोगे? चले दे रहे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। सुनिए भाई साहब, हम रेडियो मिर्ची एफएम से आए हैं। क्या आपने रियल लाइफ में कोई सुपर एक्शन रोमांटिक हीरो देखा है? बिल्कुल देखा है। कौन है? अरे कल ही देखा उसे, बिल्कुल यहीं पर देखा। अन्याय के खिलाफ लड़ते देखा, बिल्कुल उसके गले को पकड़ा उसने, ऐसे मुट्ठी बंद किया उसने, उसकी आंखों में गुस्सा आया और उसने ऐसे दिया। और फिर जहां से आया वही गायब हो गया। कौन था वो? गणेशा, मुझे सभी लोग तेज समझते हैं प्रभु। कुछ लोग बड़ी तारीफ करते हैं तो कुछ लोग गालियां देते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो डांटते ही रहते हैं। क्यों प्रभु इतना दिमाग दिया मुझको? अच्छा तुम आधा ले ही लो और उसके बदले में 100 करोड़ रुपए मुझे दे ही दो प्रभु। टीवी खरीदना है, टीवी यानी कलर टीवी सोच रहे होंगे? नहीं, मुझे टीवी चैनल पूरा ही खरीदना है। सराय करम चक तुम तुम चक तुम। हाय बाय। इसे सुधीर को दे देना। गुड मॉर्निंग, मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग तो ठीक है, वहाँ वो चिल्ला रहे हैं। कौन? बॉस? नहीं, सुदर्शन जी। गुड मॉर्निंग सर। चैनल हमेशा कंपटीशन पर चलता है, हमें बहुत सारे मजेदार प्रोग्राम तैयार करने हैं, चैनल का नाम आगे बढ़ाना है और आपके ये पर्सनल काम से चैनल पिछड़ना नहीं चाहिए। मैडम जी का फोन होगा, है ना सर? हेलो, हाँ सुने ना, ठीक है मैं टेलर शॉप जाकर कपड़े भी ले आऊंगा। ओके, नीचे का येलो बॉर्डर, ऊपर बड़े बड़े फूल होने चाहिए, ठीक है ना? यही ना? ओके। सो ऐसे ही पर्सनल काम छोड़ दो, कपड़े धोना और बर्तन मांजना भी मत करो। नहीं करूंगा सर, हो सके तो दो मारूंगा सर। हो सके तो मार ही डालो। मार डालूंगा सर। सर वो ट्रैवल प्रोग्राम अगर मुझे दे तो कुल्लू मनाली जाकर शूट करके आऊंगा सर। नो, क्राइम साइट तुम संभालते हो, क्राइम साइट में ही रहो और ये डिवोशन साइट ट्रैवल वगैरह में मत घूमो। ठीक है सर। सर नीचे येलो बॉर्डर। ठीक है, मैं सब देख लूंगा सर, बिल्कुल संभाल लूंगा। वैसे तुम कहाँ के हो? पूना का हूँ। क्या तुम्हारे इलाके में सब ऐसे ही है या तुम अकेले ही ऐसे हो? क्यों मुझसे ऐसे उल्टे सीधे मजाक करते हो? जाओ जाओ। अरे बंटी बाबू, चंदन मोहन जी डांट रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, जाओ। वो भी चिल्ला रहे हैं, ये भी चिल्ला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अपने एज और तनख्वाह के हिसाब से चलना चाहिए उनको, समझे? ओके। चंदन मोहन साहब, गुड मॉर्निंग सर। शहर में उस नशीली शराब का मामला, आज शाम को 5 बजे तक वो प्रोग्राम आपके टेबल पर होगा। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस बिल्कुल नहीं सर, सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को छोड़ो, पहले अपने पिता को पिता कहना सीखो तुम। चंदन मोहन कह के बुलाता है। अंडा खाया तूने? दूध पिया? भगवान से 100 करोड़ तो मांगा ही होगा। जरूर मांगा होगा, तेरे बाप का क्या जाता है।
अरे बेवकूफ, अंडरवियर तो साफ रखते नहीं हो, अरे बाहर रख देते तो धोबी को दे देता। देखिए, पिता को बेटे का नाम बताने में आइदर गर्व होने वाली पोजीशन में होना चाहिए या फिर बेटे की पोजीशन से उसको कप कप आना चाहिए, इन दोनों में से एक पोजीशन अपनी बनाऊंगा। थोड़ा टाइम दो मुझे, डोंगर भट्टी जाके आता हूँ। अरे अरे उसको पकड़ो। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, और इसे तो बिल्कुल नहीं पहचानता, लेकिन मारना गलत है भैया। हम मारेंगे, क्या करेगा, जॉइंट्स ढीले हो जाएंगे तुम्हारे, पुर्जे बिखर के गिर जाएंगे। मारो साले को। उसको फोड़ दो। अरे तूने किसको मारा है पता है, तंबी स्वामी के बेटे को। तंबी स्वामी कौन है पता है, मोहन स्वामी कौन है कुछ पता है? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर डालेंगे। अयो मेरा बेटा किधर है जी? क्राइम न्यूज कवर करने को बोला तो तुम क्राइम करके लौट रहे हो। अयो परमेश्वर मुर्गा, इन कोमा। ए, तुम यहां से कहीं दूर भाग जाओ।
अभी के अभी कहाँ जाऊँ मैं पिताजी? कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ मत रुको। हटो हटो, किसने मारा जी मेरे बेटे को? बोलो किसने मारा, कौन मारा मेरे बेटे को? सर, वो ट्रैवल प्रोग्राम जो है ना, वो मैं शूट करके आता हूँ। लेकिन उसके लिए दूसरी यूनिट है बेटा, उस दूसरे यूनिट के बदले मैं शूट करके आता हूँ सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, तुम कुछ ना कुछ मामला बना ही लेते हो। बेचारा तुम्हारा बाप इतनी टेंशन में आ गया। ओके तुम जाओ, कुल्लू मनाली। कौन है? चलो सुनो, अगर वो लोग यहाँ आकर पूछे तो ये मेरे पिताजी है, किसी को मत बताना। ओके सर, क्या बात है जी? आंटी कोविल कहाँ है? उसने कुछ गड़बड़ वाला काम किया और वहीं से भाग गया मैंने सुना सर। किधर किधर रहता है वो, बोल। मुझे नहीं पता सर। सुन बे, मुझे उस बंटी गोयल का हाथ पैर और सर चाहिए। वो जब वापस आएगा तो उसे बताऊंगा सर। उसका फैमिली किधर है? वो तो बैचलर है, उसका कोई नहीं, वो किसी दूसरे शहर में भाग गया होगा। कहीं भी भाग कर चला जाए वो। हे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होल होल सिटी को छान मारो तुम लोग, बच के जाना नहीं चाहिए वो। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ, जल्दी चढ़ जाओ सब लोग, जल्दी। भाई वाह, कुल्लू मनाली पहुंच के मजा आ गया। क्या मजा आ गया? वहां जो गड़बड़ करके आया ना तू, उसे सोचकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उनके हाथ लग गया तो मार डालेंगे वो। सुन ले, thank you.
किसी ने ना किया हो कुछ मैं ऐसा कर लूं, जी चाहे सारे अंबर को बाहों में भर लूं। कोई ना जाने कल क्या हो, जो भी हो जैसा हो अच्छा हो। जो डर गया वो मर गया, जो जी गया कुछ कर गया। सुन ले सुन ले सुन ले, मरने से मैं नहीं डरता, डरने वाला क्या जीता, डर डर के जीना कैसा रे। ओ, दो दिन की जिंदगानी, दो दिन की ये कहानी, डरने वाला रोज मरता रे। सब टेंट में घुस के बंद करके आराम से सो रहे हैं तो यहाँ आउटडोर में इतनी दूर आते क्या हैं लोग? अरे मैनेजर साहब, जरा आप लड़के को उठाएंगे जल्दी? उठो देवियों, यू एक के ऊपर एक पैर रख के सोने से काम नहीं चलेगा। वो ऐसे सो रहे हैं? अरे बाप रे, अरे जल्दी करो, जरा मेकअप जल्दी करना, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये मेकअप करने दे तब तो। बंटी बंटी आओ, तुम्हें खास चीज दिखाता हूँ। कमाल की चीज है, वाओ। हाय हाय, हेलो। ओ माताजी, तो ये यंग बॉय मिलने आया है। स्वीट वॉइस, थैंक यू। आप कौन हो बेटा, क्या चाहिए? नमस्ते माताजी, मेरा नाम बंटी गोविल है, मैं मुंबई से आया हूँ। हम नागपुर से हैं। ये बात है। वैसे आप लोग हैं कौन, मैं जानना चाहता हूँ। हम सन्यासिन हैं बेटा, सब सन्यासिन। माता शिवानी। माताजी, तुम क्या करते हो बेटा? हम लोग यहाँ ट्रैवल प्रोग्राम शूट करने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमा परमीत है। मैं माता शिवानी जी। अच्छा। उसका नाम है सुनीता। नमस्ते। रानी। हाय। अरुणा। वी आर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ओके। आपने उनका नाम नहीं बताया? वैशाली। और वो? बंगाली है। बंगाली। उन्हें हिंदी तो आती होगी? तुम बंगाली जानते हो? नहीं। उसी तरह वो लड़की भी हिंदी नहीं जानती। फिर उनको कुछ बताना हो तो? कुछ बताना हो तो मुझे बताओ। ओके बाय बाय। बाकी सब कन्याएं तो ठीक है, वही थोड़ी सख्त लगती है। वो दिखने में चाइनीज ब्रीड लगती है, लेकिन प्रोग्राम बुक कहाँ है? आ गया हमारा मनाली। ये महाराज कौन है? गड़ 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 बोले शंकर। मुझे ये कोई अभिषेक बच्चन का फैन लगता है, इंटरव्यू ले उसका। नमस्ते सर, हम मां टीवी से आए हैं। आप अभिषेक बच्चन को जानते हैं? ये अभिषेक बच्चन कौन है? बॉलीवुड के सुपरस्टार। बॉलीवुड? हाँ, हम भी मुंबई गए हैं। अरे स्वामी जी, आई नो मेनी स्टार्स, I don't know any superstar. मुझे लगता है अभिषेक जब बच्चा था तभी ये साधु बन गया होगा। स्वामी जी, आपका नाम क्या है, बताएंगे प्लीज? स्वामी जी, हमें आपका इंटरव्यू चाहिए। आप स्वामी जी क्यों बने, कैसे बने, सब कुछ जानना चाहते हैं हम, बताइए ना स्वामी जी। एक एक पन्ना उल्टोगे तो सीरियल बन जाएगा, रामायण महाभारत, उसके आगे कुछ नहीं। शौक है, झटके है, ट्विस्ट है, मार हार बम ब्लास्ट, एक एक सीन क्लाइमेक्स जैसे होगा। बताइए 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 ना स्वामी जी। कैमरा डाओ स्वामी जी, पहले 1000 रुपया निकालो। चल जल्दी दो स्वामी जी को। स्वामी, 1000 रुपए। सन 1996, मैं एक बैंक एम्प्लॉय था, मेरी लव मैरिज हुई थी, सोने जैसी बीवी। वन फाइन मॉर्निंग, टक 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 टक। ये साउंड इफेक्ट कैसा? जॉगिंग से लौट रहा था। चल, 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 चल
कन कन पट्टी पर करने गए। कौन थे स्वामी वो लोग? इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हो? क्षमा कीजिए, किडनैपर 24 घंटों के अंदर 5 करोड़ चाहिए। उल्लू की तुम, बैंक में नौकरी करने वाले के पास करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? सेम पॉइंट मैंने भी पूछा था। 24 साल की मोहलत देंगे तो भी उतना नहीं दे पाऊंगा सर। आई एम बैंक एम्प्लॉई। तब उनको असलियत का पता चला। बाय मिस्टेक रियल एस्टेट वाले शंकर की जगह उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। सॉरी बॉस, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो बहुत दूर निकला है। आप रात को यही सो लो, सुबह निकल जाना, मैं खुद छोड़ दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थकान की वजह से वहीं पर सो गया और यही बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ सर? नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, समझे? क्योंकि प्रत्येक सीन क्लाइमेक्स जैसा लगेगा तुम्हें, लेकिन मुझे 1000 दोगे तो डेली सोप जैसा बताऊंगा। पूरे के पूरे 250 किलोमीटर जर्नी करके हमको आना पड़ा जी। असल में वो सन्यासिन क्यों बनी होगी? होना क्या है, किसी लफंगी ने उससे शादी करके 2-4 बच्चों को पैदा करके छोड़ दिया होगा और वो जिंदगी से हताश होकर बन गई होगी। चुप बे जन्म जले, मैं वैशाली के बारे में पूछ रहा था। सॉरी बॉस, मैं तो रमा परमित के बारे में सोच रहा था। कितना बढ़िया है, वाह कमाल है। बहुत उबालने से ऐसा ही होता है। थोड़ा और राइस दूं? बस बस लो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बंगाली स्वाद के बारे में। वैशाली, बंगाली, उसे किसी भी तरह आपकी गुफा तो बहुत अच्छी है। क्यों आए हो यहाँ? आपसे मिलने, चैनल वाले जो ठहरे, थोड़ी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। वैसे आपका धर्म क्या है मैडम? हमारा कोई धर्म नहीं होता, हम किसी रिलीजन से संबंध नहीं रखते, बस एक ग्रुप होता है। फिर आप किस भगवान को पूछते हैं? शिवानी माताजी, गुफा में इको साउंड आ रहा है। सॉरी माताजी। ऊपर वाले पर भरोसा है, हमारे भगवान का कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, मेडिटेशन जो करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। कुछ और जानना चाहते हो? आप लोग कहाँ ठहरे हैं? यही बगल में एक आश्रम है, वहीं पर रहते हैं। ठीक है, वहीं आके मिलूंगा मैं। वहाँ भी नहीं आ सकते बेटा। ऐसा मत बोलिए मैडम, मुझे सन्यासिन बहुत अच्छी लगती है। बगल में मठ सन्यासियों का मठ है, तुम वहाँ ज्वाइन हो जाओ। ये बात नहीं मैडम। देखो बच्चे, कल से देख रही हूँ तुम कहीं और ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। वो तो है। उधर क्या देखते हो, इधर देखो बेटा। अब मैडम, हमारे मेडिटेशन करने का समय हो गया। अच्छा तो कीजिए ना, कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। शिवानी तुम इसको बाहर भेजो। ए, चलो चलो प्लीज, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो चलो। बाय मैडम। हाँ बाय बाय बाय। बाहर ठंडी हवा चल रही है, चलो चलो। यहाँ वहाँ देखे बिना भी जा सकते हो ना, चलो। कैसा दिखता है वो? बड़ा कुछ खास नहीं, एवरेज है। अरे मैंने उसकी सुंदरता के बारे में नहीं बल्कि हाइट पूछी है। बिल्कुल नहीं, अपने भाई से आधा होगा, एवरेज हाइट है। बहुत बहुत मोटा होगा। भाई इतना मोटा भी नहीं है वो, एवरेज है। लेकिन उसकी मार एवरेज नहीं है, कामा में पड़ा है। कामा एवरेज नहीं है, एवरेज नहीं है। वी हैव चेक्ड हिम अगेन, His condition is still serious. 24 घंटों तक हम नहीं बता सकते। दोबारा अगर ऐसा न्यूज दिया ना तो हम क्या करेगा, मुझको ही पता नहीं, समझा क्या?
I can understand your anguish, but I cannot do anything under the circumstances. Anyway, don't worry. We will take care of him. Oi! Oi, police wale! तुम लोगों का यूं ही देखने से काम नहीं चलेगा। यह देखने से काम नहीं चलेगा। जिस कुत्ते ने मेरे बेटे की यह हाल किया। जौन कुत्ता हमारा बेटा का यह हाल किया। उसे पकड़ो। मेरे सामने हमें सामने लेके आओ। अरे भाग जाए यहाँ से। हमका तो वो जाता है कि ये डिस्चार्ज जब तक होएगा तब तक कितनी गालियाँ उसको सुननी पड़ेंगी। जाओ। इस दुनिया में हमारे कितने ही सगे संबंधी होते हैं। माता पिता भाई बहन दोस्त ऐसे बहुत से संबंध है, लेकिन सबसे कमजोर संबंध होता है पति और पत्नी का संबंध, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। वो बड़ा ही कमजोर है, इसलिए वहाँ तलाक होता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके मानी मानी मानी। क्या कर रही हैं? काट रही हूँ। क्यों? सब्जी काट रही हूँ उबालने के लिए। हम यही तो खाते हैं घास। चिकन मटन कुछ नहीं? उसके हाथ में दिला, मुझे रोना आ जाता है क्योंकि पिछले दिनों जो ओनली नॉन वेज दो ही में खाना खाती थी, नहीं तो नहीं खाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद प्योर वेज। बेचारी, बताइए अब सन्यासिन क्यों बन गई? मैंने तो अपने पति से सिर्फ एक ही महंगी साड़ी मांगी थी, उसने ना बोल दिया, इसलिए मैंने सन्यास ले लिया। इतनी सी बात के लिए? इतनी सी बात के लिए नहीं, इतनी बड़ी बात के लिए। अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, इतनी बेताबी मैंने कभी नहीं देखी बेटा। अरे नहीं परमित जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब अपने कपड़े सुखा रही थी तो क्या कर रही है, कैजुअली मैंने उन्हें देखा। तुम कुछ न कुछ देख रहे हो, ये हमारा डाउट है। अरे बाप रे, क्या बात कह डाली, हम तो बस आपके आश्रम में शूट करने आए हैं और कुछ नहीं। अरे तुम जल्दी से कैमरा फिक्स करो, मैडम जी की परमिशन मिलना है बहुत बड़ी बात है, और अच्छे अच्छे शॉट्स लेना, ये एक आश्रम है। अरे उधर नहीं बेटा, इधर देखो। आपको भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है। आश्रम में मर्द लोग नहीं आ सकते, बताया था ना। औरत क्या मर्द क्या, आप में भी आत्मा है और मुझ में भी आत्मा है और ऊपर परमात्मा भी है। बेकार के डायलॉग्स बोल के कंफ्यूज मत करो, बड़े पहुंचे हुए लगते हो। सॉरी मैडम, तुरंत काम करके निकल जाएंगे। थैंक यू। स्वामी जी, 1000 सेकेंड एपिसोड बताइए। कीप इट। ये लड़की सुंदर है। कैमरा ऑन। उस रोज क्या होता स्वामी जी? किस रोज? वही किडनैपर जो आपको रात को उठाकर ले गए थे, उसके बाद। हाँ, मैं सो गया था। सुबह उठकर घर जाऊंगा सोच रहा था, मुझे क्या पता था कि पुलिस वहां रेड कर। पुलिस या कॉप्स? अरे पुलिस आ गई, पुलिस भागो भागो भागो, अरे भागो जल्दी। मुझे भी किडनैपर समझा उन्होंने, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए। कह रहे कब से कर रहे किडनैपिंग तुम? आई एम नॉट अ किडनैपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर सब इंस्पेक्टर। क्या बकवास कर रहे है? ए, सर, इसके अंगूठे का निशान ले लो। अंगूठा लगा? क्या है? अंगूठे का निशान मांगो तो नहीं लगाते? अपने आपको फिल्मी हीरो समझता क्या? मुझे चिरंजीवी की याद आ गई। और वोल्ट का करंट जनरेट होने लगा, पुलिस स्टेशन बर्बाद हो गया। भागते भागते जंगलों में पहुंच गया, इतना भागा कि अपनी जिंदगी में लौट नहीं सका। उसके बाद क्या हुआ स्वामी जी? रेडी गाइस। ये क्या हुआ? 1000 रुपए लेके बस इतना कम बोला? चलो चलो। नमस्ते जी, मैं आपके पास आ गई हूँ, अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगी। हाँ, थोड़ी देर में चली जाना, अपने बारे में थोड़ा बताइए ना हमको। फैशनेबल फैमिली में पैदा हुई और फैशन को ही मैंने अपनी जीने की राह बनाई।
लेकिन आज सिंगल कॉस्ट्यूम में फिक्स होके रह गई है, मैंने सोचा भी ना था। यहाँ तो सुबह सुबह उठना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है, जड़ी बूटी खानी पड़ती है, नमक में चखे कितने साल हो गए। ये लो आचार। आचार हो, कितने अच्छे हो तुम लोग, कितने साल हो गए आचार खाए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बार चख लो। हाँ खाइए खाइए। गरम गरम खाने में ये अचार और साथ में घी मिला के ऐसे ऐसे मिला के खाओगे तो मेरी सोई जवानी बाप रे बाप। आपको ऐसे अचार वगैरह जितना चाहिए भेज देंगे हम, लेकिन आपकी वैशाली से अपना बंटी प्यार करने लगा है, आप थोड़ी हमारी हेल्प कीजिए ना। पर आपको बंगाली तो आती है ना? आपको मालूम है वो लड़की बंगाली नहीं है। रमा परमित डाउन डाउन, 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 रमा परमित डाउन डाउन। व्हाई डाउन डाउन? वैशाली एक बंगाली लड़की है, ऐसा क्यों झूठ बोला आपने? उससे कितना नुकसान हुआ है मेरा पता है आपको? क्या नुकसान हो गया बेटा? अरे नुकसान की बात बताऊं? बंगाली कहते हैं कहीं कनेक्शन कट हो जाए, सोच के मैं डर गया था। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है उसे मैं बिना बताए बहुत दुखी हो गया था। पता है मैडम, अगर मुझे पता होता कि वो हिंदी जानती है तो अपने कष्ट उसको बता के घुमा के फिरा के उसे अपना बना चुका होता, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। यो, 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 यो। मैडम जी ये लुका छुपी क्यों जी? अपने मन की बात बता देता हूँ, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, दिलो जान से चाहता हूँ मैं उसे। अब क्या करेगी मुझे पता नहीं, आप लोग मिलके उस लड़की को कन्विंस करके मुझे सौंपेंगी तो बाहों में लेके सीधे मंडप ले जाऊंगा। आप आइए। लगता है मेरा जादू चल गया। बैठिए। मुझसे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं क्या इतनी पसंद आ गई? सचमुच बहुत पसंद हो आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरे शरीर से प्यार करते हैं? शरीर से, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल स्माइल, स्किन टोन फैंटास्टिक, मेरे लिए तो यही बहुत है। आपको मेरे शरीर से इतना लगाव क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। ये सब मिट्टी है, बस मिट्टी। हमारे मरने के बाद ये फ्लैश पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी बॉडी में जो ब्लड यूरिन जैसी चीजें हैं वाटर में मिल जाएंगी, ये सांस भी हवा में मिल जाएगी। तो फिर ये शरीर सब मिट्टी है क्या? वाह, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इस मिट्टी से आपको कोई लगाव नहीं है ना जी? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। तब तो आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। हाँ जी बोलिए। स्मॉल फेवर। क्या है? आज की रात आप मेरे साथ सोएंगे क्या? हाँ, सोएंगे ना? क्योंकि ये तो बस मिट्टी है, मेरे साथ सोने से क्या होगा? हाँ? ये फजूल लेक्चर मुझे मत दो कि ये शरीर एक मिट्टी है। अगर मिट्टी है तो सुबह उठते ही नहाती क्यों हो? वैसे ही छोड़ दो जी, ऊपर से उसे खूब धोना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह खाना, क्यों ये झंझट पालती हो?
से ये मोहब्बत की राहें तेरी चाहत की बाहें तू नहीं तो कुछ नहीं है बस तुझी को हम चाहें ये दांव की बिजली मेरे दिल पे आ ठहरी डूब जाने दे मुझे तू झील सी आके गहरी दिल दे मुझे दिल दे और दिल दे मुझे दिल दे तुमसे 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 दिल से इश्क किया तुमसे तुम्हें परेशान किया तुम्हें रुलाया मैंने इसलिए मुझे बड़ी खुशी मिली है आज मेरे प्यार की यही शुरुआत है आज के लिए इतना ही काफी है घर जाकर पूजा करो कल फिर मिलेंगे बाय जाओ आई लव यू डॉक्टर अयो अम्मा दुर्गा अम्मा हे मुकेश बेटा हे मोहन He is conscious now. You can speak to him. Munna. Mukesh beta. Mujhe dekho. Main hu. Inka dekha. Tumhari maa. Tumhari. Teri maa. Aur maai. Are amar maai humke galat mat samajhna. Hum to tohra ke dilasa dila raha tha. देखा बेटा हम तो माई मुकेश दिस इज फॉर ओनली मा टीवी व्यूअर्स सो जॉइन अस ये क्या दादागिरी है यानी फ्री में मार लोगी क्या हम यहाँ पर भीख मांग रहे हैं अच्छा तुम देखने में तो ऐसे नहीं हो पर हम यहाँ पड़े हुए हैं हम लाचार हैं ऐसा बोल के जबरदस्ती ऐठ रही हो लगता है But actually we are begging. बाप रे बेगिंग इंग्लिश में भीख मांगती है ए लड़के एप्पल चाहिए क्या जी डोंगरी क्यों सता रहे उसे अरे पहले ही वो परेशान है अरे आप भी तो मुझे परेशान ही कर रहे हैं यानी आज उसका मुकाबला हमसे किया जा रहा है यस। अरे मैं हीरो हूँ वो विलन है समझी ओफो मुझे ही विलन बना दिया आज तक हम अपने आप को हीरो समझ के खूब रोब जमाते थे इसने तो हवा ही निकाल दी एप्पल लेना चिकनी चल ना एप्पल का पूरा गार्डन दे दूंगा तुम्हें चल 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 इससे अच्छे और बड़े सेब भी मिलेंगे तेरी तो बड़ा उछल रहा है क्यों मारेगा मुझे मारेगा हाथ उठाएगा मुझ पे प्लीज बड़ा बिकम का तेरा अब जाइए प्लीज प्लीज गो अवे प्लीज 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 आप उनसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं उसने बड़ी गलती की है गलती करने पर सजा देने वाले भगवान है आप कौन होते हैं उसे मारने वाले तुमको एक बात बताऊं मैं ही भगवान हूँ डार्लिंग तुम देखती रहो मुझे अब उसको मैं एप्पल बनाऊंगा क्या है डर गए इसके लिए हाथ भी जोड़ रहे हैं आइए आइए कहाँ आइए ना कहाँ चलना है हेलो
तेरी तो सालों यहाँ मुझे मारने का पूरा प्लान बना रखा है। कुंफू है क्यों? मुझे बिल्कुल नहीं आती। तुम अपने हिसाब से मारोगे, मैं अपने हिसाब से मारूंगा, पूरी फाइट कंफ्यूज हो जाएगी, मजा नहीं आएगा यार। अभी भी समझ नहीं आया? अब फाइट कंफ्यूज हो जाएगी, दिमाग की चाबी खुली। अरे बाप रे, कैसा लगा? यू नो, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, मैं यहां मारूंगा तुमको तो री साउंड वहां पर आएगा, समझ गया? ओके। अरे पैसे टूट जाएंगे बे। फाइट का देखो इसे, वहाँ इतनी बड़ी फाइट हुई क्या? मैं वहाँ होती तो बड़ा मजा आता। हाय, फिल्म तो देखने को ही नहीं मिलती, कम से कम फाइटिंग ही देख लेती। वैसे उस लड़के तुम्हारे लिए अपनी जान पे खेल के उस कुंग फू लड़कों के साथ मारपीट की, मतलब वो तुमसे कितना प्यार करता होगा, है ना? वैसे सुंदर है वो, हैंडसम पर्सनालिटी भी है, ऊपर से मुंबई का छोकरा है, मुझे तेरा रिश्ता पसंद है। हाँ। क्या मतलब मेरे लिए रिश्ता भी देख रही हैं आप? अरे क्या बक दिया मैंने, मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। What's it all about? Where's the hose? Yeah! Yeah! मैं पहुंचा नेक्स्ट लाइट्स के बीच में। तुम इस ऑपरेशन में कब से काम कर रहे हो? ये कल से ऑपरेशन है भैया। पुलिस वालों को कब से रहस्य बता रहे हो? पुलिस को? पुलिस वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, कल ही पुलिस स्टेशन को बर्बाद किया मैंने और वहाँ के पुलिस वालों को मजा चखाया है। मैं भाइयों का भाई और दोस्तों का दोस्त, ये पेड़, ये पौधे, ये नदी, ये धरती, सब के सब हमारे हैं। बस बोलते ही मुझे तोड़ दिया, उनसे कैसे बचना है और अपने बीवी से कैसे मिलना है यही समझ में नहीं आया। एक और एपिसोड अगले हफ्ते, निकालो 1000 रुपए। तुम मत बोलो यार, ये वाला। तुम खेलो यार। अरे
अरे कौन है? जरा रुकिए, चलो आता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार। हमारे टेंट्स में आइए, आइए पावन कीजिए, आइए आइए मैडम। नमस्ते परमित जी, नमस्ते शिवानी जी, नमस्ते। भारत देश की माता है, सन्यासी ने और झरनों के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं। हम अच्छा बनाएंगे। और कितने दिन? अरे श्रीवास्तव जी, हमारी मैडम का मार टीवी पर अच्छा प्रोग्राम बनाओ, इंटरव्यू लो। मनाली में माताएं ऐसा प्रोग्राम है। रमा परमित जी, आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है? अब वो टॉपिक की तुम्हें क्या जरूरत है? मेरा एक्सपेक्टेशन करेक्ट है तो इस वक्त तुम्हारा बंटी टेंट के पीछे से गुफा की तरफ भागने का प्रोग्राम बना रहा है। अरे हाँ, ये बात तो भागते जा रहा है। कैसे जाना माता जी? कितने धक्के मुक्के खा के मैंने आश्रम बनाया है बच्चे। कामा त्राणम नभम न लज्जा। काम वासना के बारे में बता रहे हैं। काम वासना के मन में आते ही नालायकों को शर्म हया भय भक्ति कुछ नहीं सूझता। ऐसा मत बोलिए माताजी, प्यार परमेश्वर है बोलिए। हमारा दोस्त प्यार में फंसा हुआ है। उससे प्यार करने के लिए क्या वो कॉलेज की लड़की है? नहीं तो सन्यासिन है। अब वो तुम्हारा दोस्त उस लड़की को बर्बाद तो नहीं करेगा? ऐसे ही अपनी तरफ से जोर लगा रहा बच्चा। अरे भाग क्यों रही हो? रुको, देखो तो मैं नजदीक आया तो तुम्हारे अंदर की केमिस्ट्री जाग उठी, तुम्हारे बदन से पसीना छूटने लगा। देखो ना, मुझे भी पसीना आ गया। सुनो, मेरे ख्याल से ये रूट करेक्ट नहीं होगा। अगर ये रूट करेक्ट भी हो लेकिन तुम करेक्ट नहीं। तुमसे थोड़ी बात करनी है। आओ आओ, बैठ के बात करते हैं। बैठो बैठो। देखो कितनी सुंदर लग रही हो, स्मार्ट हो। तुम्हें हुआ क्या जो ऐसे सन्यासन बन गई? क्या गुस्सा आ गया? आने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोचते होगे ये क्या मुझे संभालेगा? बिल्कुल मत घबराओ, मैं माँ टीवी में प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए है। मेरे पिताजी भी वहीं पर काम करते हैं, उनकी तनख्वाह 60 के करीब है। मेरी तनख्वाह हम दोनों को उड़ाने के लिए बहुत होगी। उनकी तनख्वाह घर चलाने के लिए बहुत है ना? ओके है ना? अब देखो, अपना एक बहुत बड़ा घर है, हाँ, दो गाड़ियां भी हैं, अपनी तो मस्त रॉयल फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात, हम लोग तुम्हारी तरह भीख नहीं मांगते, खुद खरीदते हैं, समझ गई? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब भी मेरा ख्याल आए मुझे फोन करना, उठा ले जाऊंगा तुम्हें। कहूं ना बात, चलता हूँ। एक पते की बात बोलूं, लोग जल के मर जाएंगे ये सोच के कि इस पागल को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। अपन तुझे चाहता है, समझदार को इशारा काफी है। क्या? बाय। बंटी को जानता है? जानता हूं सर। है दोस्त? है हाँ दोस्त है। उसका नंबर तो होगा? हाँ है इसमें। इसमें है क्या? बिल्कुल है। ये बंटी गोयल का नंबर है क्या? हाँ सर। तेरे पास फोन है? निकाल, इस फोन से इस नंबर को लगा, चल जल्दी कर। ए स्पीकर को ऑन कर, ऑन कर। ठीक है। हेलो चंदन मोहन, कैसे हो? अरे मेरे 25,000 कब दोगे भाई? 25,000? कैसे 25,000? कैसे 25,000? भूल गया तू? याद नहीं आ रहा तुम्हें? मैं नहीं दूंगा बे। क्या कर लेगा? क्या कर लूंगा, बॉस से बात करके इस महीने की तेरी तनख्वाह में से रुपए ले लूंगा। आप जोर जबरदस्ती करोगे तो माँ टीवी की नौकरी छोड़ दूंगा। वो कहां पर है पूछू क्या?
अरे तुम कहाँ पर हो? ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मोबाइल बंद कर। अरे बबुआ बंटी गोयल, कौन हो भाई तुम? मैं तेरे बाप का दोस्त हूँ बेटा, तेरे घर जाना है, एड्रेस बताओ मेरे बेटे। लिख लो भाई। बताओ बेटे। फोर्थ एवेन्यू। फोर्थ एवेन्यू। 59 सेंटा कार्गो। 59 सेंटा कार्गो। न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेरे पिताजी वेट कर रहे होंगे, अभी जाके मिलो। ए! उस कुत्ते अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी हो, उस कुत्ते का पता लगाओ और जाओ। तुम जाओ जी, फोन कंपनी जाके पता लगाओ। तेरी तो, जल्दी जाओ, चलो चलो रे। हाँ, इतनी रात में कहाँ जा रहा है यार? मन की मनोकामना पूरी करने के लिए दिन रात कुछ नहीं दिखता, बस प्यार दिखता है। पागलपन है, चलो अंदर। फिर पूछ क्या रहे हो? चलो। थे बेटा, और वापस क्यों जा रहे हो? रमा जी, असलियत नहीं छुपाऊंगा, अब नींद में भी वैशाली की याद आती है। नींद नहीं आ रही थी, सोचा शायद वो लड़की भी मेरी तरह प्यार में पागल होगी, यही देखने यहाँ पर आया हूँ मैं। आधी रात का वक्त है, एक सन्यासिन अपने पर्सनल मैटर्स बड़बड़ा रही थी, मुझे लगा यह समय ठीक नहीं, इसलिए वापस जा रहा था। तुम्हें देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, ये उम्र ही ऐसी है, चार दिनों में तुम उसे भूल जाओगे बेटा, मेरी बात मानो और जाके सो जाओ। गुड नाइट। अरे बाप रे, इसको भी बिगाड़ दिया। मुकेशा। अयो बेटा मुकेशा, मेरी बात सुनो। एप्पल खाओ, भूख नहीं लगी तुमको? बिल्कुल है, बहुत भूख लगी अम्मा। वो बंटी गोयल कहाँ है? पूछा अपने पति से। अरे क्या किया अब तक, शर्म नहीं आती तुम दोनों का? ए! सुना तुमने, कहाँ है वो? उसे फोन करो। अरे फोन कर। फोन लगा के दो मुझे। किधर है वो कुत्ता? लाओ, मैं बात करती। अबे कहाँ है रे कुत्ते? आप कौन है माताजी जो इतनी कोमलता से बोल रही है? अनिता, अनिता हूँ मैं। मैं मुकेश की अम्मा हूँ। तुम भी कोमा में जल्दी ही चली जाओगी उसी की तरह। मेरे को मारेगा तू? मेरे को कोमा में पहुँचेगा? क्या बकता है तू? क्या बोलता मेरी माँ को? ए, इस बार तुझे और तेरी माँ को साथ में मारने की सोच रहा हूँ। कहाँ छुपा है? बोल रहे कहाँ छुपा है तू? मेरे को दे। साला है, कुत्ते कमीने, कहाँ है तू? बोल कहाँ है तू? बोल। स्वामी कौन है? स्वामी मोहन, मोहन स्वामी नाम है अपन का। स्वामी सुनो, तुम लोगों ने मार खाई, वो कोमा में गया, अब चुपचाप घर जाके सो जाओ। ज्यादा उछले तो इस बार चोकटा ही बिगाड़ दूंगा। एड्रेस बोल बेटे। गधे के बच्चे, तू फोन रख बे। रखा। सामने मेरी जान आ रही है। मामू। बिटुआ, आपको लड़की कैसी दिखती है? रुद्राक्ष के एक मुख रुद्राक्ष जैसी, जिसे पवित्र गंगा नदी में डुबो के दूध में धो के फिर से गंगा जल में डुबो के बाहर निकालेंगे तो जैसी होगी वैसी लगती है। मुझे कैसी दिखती है तुम्हें बता? बाप रे, वैसी दिखाई दे रही है। चीची, अंधे हो जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देख के आंखें ब्राइट हो रही है मेरी। मेरी नजरों से एक बार उसे देखो तो मामू।
मस्त नजारे हैं जिनके इशारे हैं मस्त नजारे हैं बहके मन सुलगे तन अंग लग जा जाने मन जागे जागे अरमां है खोया खोया तू कहां है मन से मन मिला ले तू जिंदगी बना ले तू हर डगर सजा ले तू राग दिल कटा ले तू लगी 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 मुझ दिल की लगन जली 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 देखो प्रेम मगन खोई 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 रहो तुझ में मगन हुई 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 मैं तो तेरी जोगन बल 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 मस्त नजारे है जिनके इशारे हैं आओ 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 जुम नाचे ये जवानी है गाओ 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 देखो रुत भी सुहानी है चाहत बहकाए मुझको बाहों में ले लो मेरी जुल्फों से खेलो रूप तेरा उजाला सारे जग से निराला आंखें हैं मधुशाला दिल हुआ ये मतवाला डोले 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 मेरा ये तन मन छुल 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 दिल का दर्पण पील 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 छलकेंगे नयन जिल 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 आजा मेरे सजन बल 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 मस्त नजर है जिनके इशारे हैं आओ 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 जुमे नचे ये जवानी है गाओ 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 देखो रुत भी सुहानी है हाँ हमारे बारे में और क्या जानते हो बताओ गाके बताओ तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती थोड़ा माफ करना मेरी बहन तुम्हें देख के हमें कोई भी डाउट नहीं हो रहा बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है तुमको सर हमेशा आप लोग मुझे दबाते हैं मुझे बोलने का मौका दो अर्जेंट है सर अर्जेंट बैठो बहुत जरूरी है सर बैठ कौन हो तुम मैं शंकर हूँ अर्जेंट है उसमें क्या है इसमें पानी है चेक करो सर चेक करो सर्जेंट ये लिक्विड आरडीएक्स है क्या जलाने आया था आरडीएक्स है बोल बोल मैं तो पानी स्वामी जी उसके बाद क्या हुआ ये जीवन मृत्यु का प्रश्न है एक दिन में कैसे होगा हमें बता दीजिए सर क्योंकि मुंबई वापस जा रहे हैं हम वेरी गुड मैं भी मुंबई पहुंच रहा हूँ आप विजिटिंग कार्ड के साथ 1000 रुपए और दीजिए वी विल मीट देयर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया मेरे नजदीक आओगी तो आ बिल्कुल ही हो हां तो अब गुस्सा आ रहा है हैं मुझे मारने का दिल कर रहा है खत्म करने का भी मन कर रहा है यस यस आई विल किल यू देखा
ये सब बिल्कुल ही सन्यासिन का लक्षण नहीं है। दरअसल तुम सन्यासिन हो ही नहीं, क्योंकि तुम में बहुत फीलिंग्स मौजूद है लेकिन छुपा रही हो। परसों वहां रोई थी और आज मार डालूंगी बोलती हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर प्यार भी है। अरे मान जाओ ना मेरी प्यारी बुलबुल, क्यों इस तरह सताती हो? ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने मटर गश्ती की थी ना, उसी का नतीजा है ये। I'm so sorry. सुनो, ये सॉरी बोलना भी एक फीलिंग ही है। जब तक मैं आई लव यू नहीं बोलोगी पट्टी नहीं बनवाऊंगा। प्यार नहीं करती। आई लव यू वो तो ही बनवाऊंगा। No, I don't love you. मुझसे प्यार करती हो? No, I don't love you. नहीं मानूंगा तुम्हारी बात। अरे बाप रे, इसका हाथ तो बहुत भारी है। बाप रे, अब मारा है तो मान लो। ए, ए, तुम रो क्यों रही हो? अरे मिट्टी है ये, और ये ब्लड भी तो पानी में मिल जाएगा। तुम्ही ने तो बोला था ना, हाँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात तुम्हें मालूम है, लेकिन एक बात तुम नहीं जानती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। कलम वापस जा रहे हैं, तुम्हारे लिए सोलांग वैली में 10 बजे तक इंतजार करूंगा। तुम आओगी तो ले जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं पूछूंगा। सोच लो, तुम जैसा सोचते हो वैसा नालायक नहीं हूं मैं, मुझ में भी थोड़ी सी क्वालिटीज मौजूद हैं। आई लव यू। अरे तुम सब लोग कहां जा रहे हो? वहाँ क्या हो रहा है? हाँ? हाँ? तो वैसे मनी रत्नम कोई नई फिल्म बना रहे हैं क्या? अरे भाई, उसने अभिषेक के साथ गुरु फिल्म बनाई है, बड़ी हिट हुई है। अभिषेक के साथ मनी की फिल्म बनी, अभिषेक के इतना बड़ा हो गया, इतना हैंडसम हो गया होगा। और कुछ फिल्मी बातें बताओ ना मुझे। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी तय हो गई, चिरंजीवी की बेटी की शादी भी आ गई। काम क्या बोल रहे हो, अमिताभ बच्चन फिर से हीरो का रोल करने लगे। ये तो फिल्मों की दीवानी सन्यासन है। थैंक यू। ओके रमा जी, हम चलते हैं। सबसे बोल रहे हो, वैशाली से नहीं बोलोगे? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो कल मेरे साथ वापस आ रही है। इतना कॉन्फिडेंस है क्या? मैं उसका इंतजार करूंगा। तो चले मैडम, हम नमस्ते। नमस्ते। बाय 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 बाय। हम आपको सीडी भेज देंगे। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो बच्चों, रख दो सामान, रख दो। दिल्ली पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और वहां से ट्रेन भी पकड़नी है। ऐसे परेशान क्यों हो? बंटी को देखते हुए मुझे दुख हो रहा है। वैशाली आएगी क्या? चलते हैं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं ना। अरे कितना वेट करे यार, वो नहीं आएगी, मुझे मालूम है। नहीं बंटी, वो जरूर आएगी। कोई और आ सकती है मगर वो नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। चलो टाइम वेस्ट मत करो, चलो। अरे दूसरी नहीं मिलेगी क्या? अरे पीछे क्यों बैठते हो, आगे आ जाओ। जब वो नहीं आई तो कहीं भी बैठो, क्या फर्क पड़ता है। चलो जल्दी चलो, वो पहले से ही परेशान है। चलो चलो चलाओ गाड़ी, टाइम वेस्ट मत करो। चलो अब किसी और का वेट नहीं करना है हमें, गाड़ी निकालो।
सर, सर, मत मारो मुझे सर, मुझे छोड़ दो सर। ए बंटी गोविंद को यहाँ मत आना तो समझे, यहाँ तंबी स्वामी के लोग बंटी समझकर गोविंद का सर फोड़ रहे हैं भैया। भाई साहब गाड़ी रोको, रोको रोको रोको, फोन है, बंटी को वापस मत लाओ ये कह रहे हैं। अरे बंटी, हेलो। hey, मैंने अपना फैसला बदल दिया है, मैं उस लड़की के बगैर वापस नहीं आऊंगा, तुम चले जाओ। सर मैं बंटी नहीं हूँ, मुझे मत मारो साहब। हेलो एप्पल, यहाँ क्या कर रही हो? जब से तुम्हें देखा है नींद नहीं आती, चल 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 मेरे साथ चल। मेरे लिए आ रही थी तो इन्होंने रोका तुम्हें। किधर है?
नहीं लग रहा। अरे वो बंटी किधर है, किधर है? वैशाली रुको। फोन उठा, फोन उठा, उठा। ए, क्या है तेरी परेशानी? ए, किधर है रे? मामला क्या है बता? इधर मुंबई कभी आएगा? काम क्या है बे? तेरी धुलाई करनी है बे। अब भी कुछ लोगों को पीटा है मैंने, डेफिनेटली आऊंगा, तुम सबको धोऊंगा, लेकिन मेरे फोन में टॉक टाइम खत्म हो गया। अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा कार्ड रिचार्ज करवाओ बे, लिस्टर। फिर हम भिड़ेंगे चक्की के। अरे हम तो इडली सांभर बोल रहा हूँ। लगता है कैमरे की बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। ब्रेन को भी थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। ये क्या बिना बताए तुम लोग आगे? मेरा बेटा कहाँ है? वो नहीं आया। हे भगवान, बच गए। यहाँ की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। वैसे वो कहाँ है? मैं आपसे नहीं छुपाऊंगा, आपका बेटा प्रेम जाल में फंस गया। प्यार करने लगा? हाँ सर। लड़की कौन? आपकी होने वाली बहू लड़की नहीं, वो एक सन्यासिन है। सन्यासी? हाँ जी। कैसे बेकार की जिंदगी है, पूरी सब्जी, बेसन के लड्डू और हलवा, अपने घर का खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। ए, क्या देख रही हो? अरे तुम्हें से पूछ रही हूँ। कितने हसीन लग रही हो, जानती हो? छोटी छोटी आंखें हैं तुम्हारी, प्यारे प्यारे होंठ हैं तुम्हारे। वैशाली, तुम एक बार आईने में अपना चेहरा देखना शुरू कर दो तो इन होठों पर लिपस्टिक भी लगाने लगोगी। आंखों में काजल लगाने का मन करेगा, बिंदिया लगाने का मन करेगा। आईना इच्छाओं का समंदर है बेटी, इसलिए आश्रम में आईना नहीं रखते। जल्दी लौट करो भाई। ये क्या, जहाँ देखो एप्पल से पैसा पैसा खाली बोलता है। ए, काम करो, काम करो। एप्पल्स का बिजनेस है। एक एप्पल की बेटी कितने की? हेलो, आपको कितना बड़ा कितना लॉरी भर के चाहिए? तीन? अरे मेरी बात का जवाब दे, टोपी के भाई। ए, टोपी। ओके सही है, चिल्लाता ज्यादा है, धंधा कम करता है, बड़ी ओवर एक्टिंग कर रहा है, अपने आप को हीरो समझता है। तो उन देखो कैसी निकली हुई है बात। आप क्यों दिल को चोट पहुंचाने जैसी बातें करते हो? बहुत ही नॉनसेंस बातें करते हो, टू मच नॉनसेंस। एक दिन किसी से भी बात मत कीजिएगा, जस्ट वन काइंड ऑफ उपासना। कम से कम बकबक तो बंद होगी। कहा बबुआ, थोड़ी देर पहले जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो तुम हमसे कुछ पूछ रहे थे। तुम तो हमको डांट भी रहे थे, भाई समझ के हमने फील नहीं किया। नहीं नहीं। कहा बबुआ, घर से तुम भाग कर आए हो? वापस जाने के लिए पैसा चाहिए? अरे हमारी गाड़ी जा रही है, उसी में चढ़ा दूंगा, काम हो जाएगा। और कोई परेशानी है तो बोलो। अरे बोलो ना भैया, कहाँ शर्माते हो? अरे रुको, अरे हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। अरे क्या हम तुमको बेवकूफ लगते हैं? अरे हाँ, हम 30 साल से एप्पल का बिजनेस करते हैं। आप जानते हो, यहाँ पर हर कोई हमको सलाम ठोकते हैं, सलाम ठोकते हैं, और तुम हमको इज्जत नहीं देते हो। अरे मुंह में जवान नहीं है क्या? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, हम तुमको क्या बेवकूफ लगते हैं? अरे हम तुम्हारा गर्दन जो है ना एप्पल की तरह काट कर रखते हैं। अगर तुम हमसे बिना बात किए गए ना तो हम तुमको एप्पल की तरह काट काट के चबा जाऊंगा। अरे तुम बोलते काहे नहीं हो भाई? देखो हमको गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो हम तुमको हाथ के हथौड़ा बिहार याद आ गया। बेटी वैशाली, मैं जानती हूँ तुम्हें बंटी की बहुत याद आ रही है। नहीं जी नहीं, तेरी आंखें बता रही है तुम्हारे दिल में उसके लिए पीड़ा है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। आंसुओं को तुम रोक रही हो, मगर रोने का मन करता है तो रो दो। मुझे रोना नहीं है। अपने प्यार को मार कर तुम्हें सन्यासिन बनके जीने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई रूल्स वगैरह नहीं है। तुम जवान हो, हसीन हो, ऐश करो, उस लड़के के साथ शादी कर लो, खुश रहो, बच्चे पैदा करो। अगर वो धोखेबाज निकला तो वापस यहाँ आ जाना, हम यही मिलेंगे। वो ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है। फिर वो कैसा है?
बहुत अच्छा है। कैसे बोल सकती हो? मुझे उस पर भरोसा है। अब वो लड़का है या चला गया? मुझे नहीं पता, वो चला गया होगा मुझे लगता है। फोन नंबर कुछ है तो मैं बात करूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब भी मेरा ख्याल आए मुझे फोन करना। एक मिनट, अभी आए। वैशाली, तुमने जो फेंक दिया था वो विजिटिंग कार्ड ही है ना? वैशाली, ये लड़का गया नहीं था, दो दिन से हमारे आश्रम के चक्कर काटता रहा है। क्यों भाई, अगर हमने तुम्हें लड़की दे दी तो क्या करोगे? अरे बाप रे, ले जाकर बेच दोगे क्या? शादी करोगे? वाह मेरे लाल, मौन व्रत रखा है तुम्हारे लिए। देखो बेटा, वैशाली तुमसे बहुत प्यार करती है, अब कल से वो सन्यासी नहीं होगी। कल तुम आश्रम में आओगे तो लड़की तुम्हें सौंप दूंगी। पंचानवे पाँच तीन पाँच एक तीन नौ, रिलायंस नंबर मिल गया पर आदमी नहीं मिला, अपना बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में। इस सेल नंबर से वो किधर से बोलता है मालूम पड़ेगा? मुश्किल होगा। चलो, वो कौन से टावर से बोलता मालूम कर सकते क्या? गुरुजी, आप कहाँ पर हैं? स्वामी जी, स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी, आपका भाई। मेरा यहाँ पहुँचना और पत्नी का फ्लैट बेचकर चले जाना, और अब क्या करूँ यही सोच रहा हूँ यहाँ बैठ कर मैं। ये बात है, बैड लक। हम आपकी बीबी को ढूंढेंगे, लेकिन उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आपको ले जाकर आपका क्या किया स्वामी? हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर ले गए मुझे। पूरे इंडिया को जलाना चाहते हैं तू? सर, मैं सिगरेट भी नहीं जलाता, मुझे छोड़ दो साहब, घर जाना है, मेरी बीबी इंतजार कर रही है। बीबी इंतजार? मेरी बीबी तो बस इंतजार। इस तरह और कुछ दिन उनके पास रहा, और एक दिन मैं वहां से भाग निकला, और इस तरह फेंस के उस तरफ चला गया, और मैं जहां गया वो पाकिस्तान था। और वहां मुझे मिले अलकायदा वाले लोग। कौन है तू? मैं अलकायदा का फैन हूँ। किधर से आया है? मैं मुंबई से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। आई लव अलकायदा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। इस तरह मैंने बकवास की तो चार साल तक मुझे अलकायदा की ट्रेनिंग दी। हाय डैड। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, बोलो बात क्या है? माय लव ग्रैंड सक्सेस। कल ही पता चला तेरे सन्यासिन के बारे में। उस लड़की को मनाना बड़ा ही मुश्किल था, कल ही उस लड़की का सन्यास से छुटकारा, वो उसे मुझे सौंप देंगे। वो लड़की अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, आगे पीछे बिल्कुल अकेली है, और तुम भी रिवर्स नहीं होगे, बहुत वीक हो। असल बात बताता हूँ, हमारा शूट किया प्रोग्राम टीवी में टेलीकास्ट होगा, उसमें वो लड़की भी है, तुम देखना उसे। ठीक है ठीक है। अरे वो टेलीकास्ट कब होगा? हमारा शूट किया प्रोग्राम
मेरा नाम वैशाली है। Yeah, bringing on the new flavor for the 2007. Bringing on much love for all of AP. And this is DE on the mic tonight, bringing you Prema, Prema. धीरे धीरे आ बाहों में समा धीरे धीरे आ धीरे धीरे आ बाहों में समा आएगा तुझे जीने का मजा धीरे धीरे आ बाहों में समा आएगा तुझे जीने का मजा बेबे तेरा दिल का टुकड़ा बेबे तेरा चांद सा मुखड़ा बेबे तेरा दिल का टुकड़ा आ, 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 यो यो मेरे दिल का टुकड़ा यो यो मेरे प्यार का मुखड़ा यो यो मेरे दिल का टुकड़ा आ आ आ आ आ ऊ आ आ आ ऊ आ आ ऊ आ ये ऊ आ आ ऊ आ आ आ ऊ आ आ ऊ आ ये तन बदन में एक नशा है खो न जाए हम कहीं यूं न देखो कुछ मुझे भी हो रहा है हम नशे आ मेरे लग जग ले आ दिल की आग बुझे सब रागे पूरे की मेरे दिल का टुकड़ा बेबे तेरा चांद सा मुखड़ा बेबे मेरे दिल का टुकड़ा आ आ आ आ आ उ आ आ उ आ आ आ उ आ आ उ आ ये उ आ आ उ आ आ आ उ आ आ उ आ ये Come on and jump and shout while you dance about I'm gonna rock the house I'm gonna freak you out You gotta come on, come on, no, I'm doing a 70 slide. I'm gonna let you be on top so you can lock the ride. जवां है मस्तियां है और हम तुम भी जवां मेरे प्यार का मुखड़ा यो यो मेरे दिल का टुकड़ा आ आ आ आ आ आ उ आ आ आ उ आ आ उ आ ये उ आ आ उ आ आ आ उ आ आ उ आ ये धीरे धीरे आ मैं अलकायदा वालों से भयंकर ट्रेनिंग लेकर उनका एक एक्टिव मेंबर बन गया उसके बाद मुझे एक दिन प्रमोशन भी मिला ये क्या है मालूम ये लकड़ी है अरे लंगूर ये लकड़ी नहीं हा? अमेरिका के ट्विन टावर्स हैं ट्विन टावर्स टावर्स एक फ्लाइट हाईजैक करके इनको ब्लास्ट करना है
ऑपरेशन के चीफ तुम होगे। तुम और ही तो धोखेबाज हो लपंगो। यानी ट्विन टॉवर्स को आपने ही उड़ाया था। आगे सुनो। वो गुड न्यूज सुनते ही कमजोर होकर इमोशन में मोशन शुरू हो गए। लास्ट मिनट में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दिल्ली में जाकर बम रखूंगा ऐसा झूठ बोल के। मैं हिमालय में जाके साधुओं के साथ बोले शंकर, और इस तरह बोलकर मैं उनके साथ मिल गया। अब तो मुझे हरिओम। तुम लोग किसी भी तरह मेरी बीवी को ढूंढो। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली में। वैशाली, जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं तुम्हें कैसा लगा था? इडियट। बाद में फूल। और अब? अभी तो मैं वैसा ही सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी अब तुम्हारी तरह फूल बन गई हूँ। Do you know that all the pretty girls fall in love with fools only? True. चुड़िया पहनोगी? ए, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? रुको एक मिनट यहीं पर, मैं स्वेटर लेके आता हूँ, ओके? लड़की तो मिल गई, चलो।
अपनी वैशाली अनाथ है, हमें यही मालूम है वो कौन है, कहाँ से आई है, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों रे, सबकी आंखों में धूल झोंक के तू किधर गई थी, बोल रे किधर गई थी, तो देखो कैसे बना के रखा। कुल्लू मनाली भाग गई थी तू, और हम यहाँ 2 सालों से परेशान थे तेरे लिए। परसों टीवी में प्रोग्राम देख के हमें पता चला कि तू वहाँ है। सन्यासीन, तुम सन्यासीन हो? तो बता, ये सन्यासीन का वेश क्यों बना था? वैशाली मिल गई? वो मिल गई या तुम लेके आए? मिल गई। मिल गई कैसे मिली? मिल गई यानी मिल गई। वैशाली मिल गई, वैशाली मिल गई, वैशाली मिल गई। तेरे को मालूम वैशाली कौन है? अरे वैशाली को हम नहीं जानता हूँ, लेकिन अब बात ये है कि आप खुश हैं और हम भी खुश हैं। वैशाली मिल गई, वैशाली मिल गई। आंटी उन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो आए तो सिर्फ उस लड़की के लिए। उस लड़की को क्यों ले गए मुझे जानना है, प्लस लड़की अब कहाँ है पता करना है। मैं वहां जाऊंगा पिताजी। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जाओगे, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें ही ढूंढो बेटा। प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो बेटा। बंटी यही घर है। तुम जाके इंक्वायरी करके आओ। ठीक है, तुम बिल्कुल सतर्क रहना। ठीक है। एक गोल्ड फ्लैग देना। इस एरिया में क्यों आए हो? वो तुम्हें देखेंगे तो मार देंगे। वैसे तुम कौन हो? वो लोग जब मुझे मारने आए थे तो तुमने बचाया था, याद है? ओ, अब याद आया। तुम इन्हें जानते हो? जानते हैं। देखो मेरी मदद करोगे? बोलो। मैंने एक लड़की से प्यार किया है, ये उस लड़की को उठा लाए हैं। तुम्हारा मतलब वैशाली से? तो तुम वैशाली को जानते हो? जानता हूं, वैशाली के वास्ते ही तो मुझे मारने आए थे। दरअसल वैशाली कौन है जानते हो? नारायण पटवारी की बेटी। नारायण पटवारी से सभी घबराते थे, लेकिन ये तंबी स्वामी, मोहन स्वामी और मुकेश, ये सब उसी के पास काम कर रहे हैं। वैशाली उनकी इकलौती बेटी थी। उस तंबी स्वामी और मोहन स्वामी की नजर उनकी जायदाद पर थी। पटवारी, तेरी बेटी की शादी अब उनके मुकेश के साथ तुम कर दो तो अच्छा होगा। ए कुत्ते, जिस घर में खाता है उसी घर को लूटने की सोची? क्या कहा? अबे मेरी बेटी के साथ इस नालायक की शादी, और इतनी हिम्मत की घर चले आए? सबको काट के फेंक दूंगा। जाने दीजिए। रिश्ता मांगने में बुराई क्या है पटवारी? तेरी बेटी क्या आसमान से टपकी है? पलक झपकने से पहले उन्हें मार डाला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ए मुकेश, मंगलसूत्र बांधो, उसके सामने तुम बांधो। क्या करता है मैं देखती हूँ।
कर लेगा। मैंने हर कोशिश की वैशाली को बचाने के लिए। जाओ, जल्दी करो, तुम सब जाओ। वो देखो, वो भागी पकड़ से। इस तरह वैशाली गायब हो गई। कहां गई कुछ पता नहीं चला। हर जगह ढूंढा उसे, वो कहीं नहीं मिली। उन्हें लगता था मैंने उसे छुपाया है। बाद में वैशाली उन्हें फिर से मिल गई। किसी भी तरह वैशाली को तुम्हें बचाना होगा। पुलिस स्टेशन कहाँ है? मानता हूं तुम दोनों ने प्यार किया होगा, लेकिन तुम भी स्वामी के घर से उस लड़की को लाना कोई छोटी बात नहीं है। और ऊपर से तुम खुद बोल रहे हो कि उस लड़की की शादी हो गई थी। माँ बाप के शवों के सामने शादी भी कोई शादी होती है क्या सर? ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं कि पटवारी को किसी और ने मारा है। हम लोग ही उनकी फैमिली की देखभाल कर रहे हैं, वो हमारे घर की बहू है। वो धोखेबाज मकार है, सबको पता है, लेकिन कोई विटनेस नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं। तभी तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सपोज मैं जाकर उस लड़की को ले आता हूँ, मेरी बहू क्यों ले जा रहे हो बोल के केस करेगा, तो बॉटम लाइन ये है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। थैंक यू सर, इट्स ओके। ए मुकेश को तुमने ही मारा था ना? कमाल कर दिया, हाथ दो भाई उसे। ही नहीं, तुम्हारे हाथ जो भी लगे सबको फोड़ देना। यहाँ जाना, तुम्हारी हेल्प करूंगा। गो। थैंक यू सर। बर्बाद कर दो, नाश कर दो सबका। थोड़ा सा खा लो। नहीं चाहिए। तेरे बाल खींच के एक मारूंगी ना तो सर फट जाएगा। जल्दी खा ले, तू नहीं हमको तेरी जायदाद चाहिए। चुपचाप मुकेश के साथ जिंदगी गुजार। महीने बाद तकलीफ होगी तो मर जाना, वरना मैं खुद मार डालूंगी। समझी? ए तो समझा? यहाँ इतने लोग पहरा दे रहे हैं भाई, सभी गुंडे लगते हैं। वैशाली यहीं पर होगी। एक बार मुझे वैशाली की हालत जाननी है। ये नामुमकिन है। वैशाली अगर इसी घर में है तो मैं अभी जाऊंगा। उसके बारे में तुम्हें नहीं पता। मेरे बारे में वो भी नहीं जानते। ए पावर कट करो। नहीं बंटी, तुम मत जाओ। तुम पहले पावर कट करो तो मैं जाके वैशाली को देख आऊंगा, हो सके तो उठा लाऊंगा। ये दोनों काम नहीं हुए तो किसी को मार के आऊंगा। पावर कट करो। क्या हुआ रे? ये क्या हुआ? ऐसा टाइम में बिजली चला गया? कैंडल जलाओ भैया। मिनिस्टर को फोन करो और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को वार्निंग देने को कहो उसको। देगा, जरूर देगा। ए कहा है कैंडल? कहा हुआ है? ए तेरे को बोल रहा हूं। ए उसको वहां पर रख, कैंडल लेके आ, जा जल्दी जा। आठ लगा दी भेजेगी। इस घर में इतने लोग रहते हैं और एक कैंडल लाने में इतनी देर। कैसे देगा जी? देवी मुर्गा। ए उधर किधर जाता जी? जरा उस लड़की के कमरे में रखो। अरे बाप रे, बहुत अंधेरा है। कौन हो सकता है? हुँ?
धड़कने मेरी है सांस में, मेरे पास आ मेरे साथ गा मेरे साथिया, चल जाऊं मैं हूं तेरी जोगन सजना, बेखुद किया तूने पिया नहीं होती, प्यार तो है एक रब की ज्योति, प्यार में कोई हद नहीं होती, प्यार तो है एक रब की ज्योति, रब की ज्योति, मेरे पास आ मेरे साथ का मेरे साथिया, मेरे पास आ मेरे साथ का मेरे साथिया। वैशाली मेरे साथ चलो। यहाँ क्यों आई, भागने की सोच रही हो? तुम एक बार छोड़ के जो गलती की उसे आज भुगत रहे। चल बाहर चल, मैं अकेली छोड़ेंगे तो फिर से भाग जाएगी। मेरे सामने मत दिखत रहे नखरे। बोलो बंटी, पावर ऑन करो। बंटी वो तुम्हें मार डालेंगे यार। जो बोलता हूँ करो, पावर ऑन करो। चल री, चल, मैं कहती हूँ चल। अयो करंट भी आ गया। ए, इसे संभालो। क्या हुआ जी? ये चोकरी हम सबको धोखा देके भागने का प्रोग्राम बना रही थी। ए, कहां भागेगी? मेरा बेटा मुकेश आ रहा है,
वही तेरी अच्छी तरह खैर लेगा, तेरे हाथ पांव तोड़ के तुझे अधमरा कर देगा। अबे पावर ऑफ करो। सुधरेगी बहुत चक्रे करती है। फिर बिजली गुल कौन है रे जो करंट देता है फिर उड़ा देता है, परेशान कर रखा है। ए, फोन कर उस इलेक्ट्रिक वाले को, अगर इस बार उसने बिजली निकाली तो मुंबई के सारे पावर स्टेशन को उड़ा देंगे। अभी क्या हुआ बेटा? अभी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ढूंढो 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 उसको। अरे ढूंढो उसको। कौन मेरी वाइफ को मारा? जूस पीजिए और हमें सब कुछ बताइए, आपने साधु बनने के बाद क्या अनुभव किया? साधु बनने के बाद मैं बर्बाद हो गया हूँ। प्रेजेंट प्रॉब्लम दो वाइफ, अपनी माँ टीवी में फोटो डालकर, ये रही फोटो मेरी पत्नी की, इस फोटो को टीवी में डालकर मेरी पत्नी से मुझे मिला दो। मेरी पत्नी को कैसे जानते हो तुम लोग? जी वो हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड यानी जैसे फ्रेंड ओनली। जब हम मनाली में थे तब वो आश्रम में सन्यासिन के रूप में हमें मिली थी। मेरी बीवी मनाली। आपको छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरी शादी भी की और जब उसने उनको महंगी साड़ियाँ खरीद के नहीं दी तो वो भाग के सन्यासिन बन गई। वो मनाली में है, पहले ये बात क्यों नहीं बताई? आपने वही फोटो दिखाई होती तो वही मिला देते। मेरे भाई बहनों मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ यार, दया करके मुझे मेरी बीवी से मिलाओ। ये उसका एड्रेस दो, मैं खुद वहाँ जाऊंगा। काफी दिन हो गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी से मिलाना हमारा कर्तव्य है। लो जूस पियो। हाँ अच्छी तरह बांधो। चलो मैं कहती हूँ उठ ना। ए अच्छे से सजाओ, आज मेरा बेटा मुकेश हॉस्पिटल से वापस आ रहा है, उसकी आज सुहाग रात भी है, फर्स्ट नाइट। क्यों परेशान हो रही हो? तुझे फर्स्ट नाइट नहीं मनानी, मुकेश नहीं चाहिए है? अरे तेरी किस्मत अच्छी है जो मेरे बेटे ने तुझको पसंद किया। पूरे देश में सबसे सुंदर है मेरा बेटा, सिक्स को फिट। ए इसे ले जाओ और तैयार करो। ए इसको देख के कुछ सीखो तुम। अरे ओ इसे भी तुम्हारी तरह उठा कर ही लाए थे हम, सुधर गई ना? दो चार दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ए मुकेश क्या बात है चाचू, जल्दी आओ बेटुआ, क्योंकि आज तुम्हारी सुहाग रात है बेटा। यानी फर्स्ट नाइट है? फर्स्ट नाइट का मतलब क्या होता है जी? अयो सुहाग रात जी। हाँ कहा किस्मत पाई है, मौत के बिस्तर से उठकर सीधा सुहाग रात के बिस्तर पर। हा? याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी बहुत, याद आ रही है, याद आ रही है। रुको रुको बंटी, आज उस मुकेश की सुहाग रात है। बंटी शेरा उसने देख लिया, अब क्या करें? ए, तुम लोग पीछे मुड़ के मत देखना। ठीक है संभाल के, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ
चुप करना कर ले बे। चल हेलो हाँ बोल। अरे फोन दे, बगल वाले को फोन दे, फोन दे। ए, अरे अरे बगल वाले को फोन दे ना। क्या हुआ? ए? नालायक लुच्चे कहीं के, अब देखना उन कमीने को कैसे मजा चखा था। हेलो हेलो, प्रणाम पापा। कौन है भाई? मैं बोल रहा हूँ बंटी गोविल। बंटी गोविल? क्यों, अब नाम भी भूल गया पागल भोंदू? अरे मुकेश से पूछो, बताएगा। क्यों, बदला भी नहीं लेना आता कह रहे? हाँ? अपने दुश्मन को ही पहचानना नहीं क्या? हाँ? मुझे भी कैसे भूल गया रे तू? अबे 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 लाइ इधर। मुंबईया 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 करके दिमाग चाट गया था तू मेरा। आज मैं तेरे इलाके में ही हूँ, तेरे अड्डे के सामने ही हूँ, आजा। आज तुम सब लोगों की आखिरी रात होगी। इधर आ रहे, मेरे सामने आ रहे। क्या करेगा भाई तू बता ना। हलकट, वो बंटी का बच्चा इधर ही है, हमारे एरिया में ही है। क्या बोला? वो इसी शहर में है। पिताजी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरे आने से पहले उसको लेके आओ वहाँ पर। भैया भैया ये रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। डिवाइस है रखो तुम, उस पर लेटाऊंगा मैं उसको। बहुत पहले मिला था तुमसे, क्यों पहचाना मुझे? अरे कुत्ता छोड़ इधर। Hey, आज तो सोच रहा होगा मैं पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ। नहीं, आज फ्रेश एक खास खबर भी देता हूँ, जिसे तो अपनी पत्नी समझ रहे ना वैशाली, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। दिमाग में ठंडक पड़ गई ना? हाँ, आज तेरी फर्स्ट नाइट है ना, सुहाग रात तेरी लास्ट नाइट का। बजरिया हंस गए।
बकरे बकरे ये लफड़े झगड़े में बीत जाए ना ये समा तेरे सीने में चाहत की आग भर दूं मैं तेरी अग्नि को पल भर में पानी कर दूं आजा 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 कोई जा मांगे बीच बजरिया फंस गए रे It's okay. I know it's painful. I think it is better to shift him to the hospital. No, वो hospital नहीं जाएगा. तो फिर कुछ ice cubes और एक छोटा fan चाहिए होगा. डॉक्टर जो बोला वो ले के आओ. ना ना बबुआ, रो मत बबुआ, सब ठीक हो जाएगा बबुआ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. ए पंखवा इधर कर रहे. Congratulations. Your son is very strong. I know. But there is a small problem. Problem? What is the problem? Due to the terrible hit on the testes, there is internal bleeding which leads to hemorrhage. This is called scrotal hematoma. It will cause temporary impotency. Huh? हम समझ गया हूँ. आप कहिए तो बता दूँ. बता बता बता. अच्छा अच्छा. इलो पकड़ो. कैसे बताऊँ? हाँ, आपको पलब तो पता है ना. उसमें जो फिलामेंट होता है वो हिल जाए तो पलब जल भी सकता है और नहीं भी जल सकता है. दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए जाते जाते ही तो बता. चुप कर रहे पिताजी. वो बंटी और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं. पहले इसकी खबर लो. ये बताए कि वो किधर है. चल चल बता बता. लव करती है तू. मेरे बेटे को जिसने मारा उसको लव करती है तू. बोल किधर है वो. बोल किधर है वो. बोल किधर है. बोल मैं बताती हूँ. अभी बताती हूँ. बताती हूँ.
Hey, इसका क्या मतलब रे? ये तो बहुत गलत बात कर रही है। हेलो, वो लोग वैशाली को बहुत मार रहे हैं, तुम तुरंत आकर वैशाली को ले जाओ भैया। सर, उनको अंदर भेजने के लिए आपको प्रूफ चाहिए और मुझे वैशाली चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? दो चार घंटों के लिए डोंगर भट्टी मेरे हवाले कीजिए। अरे बस इतनी हेल्प कीजिए। तब तक मैं क्या करूंगा? मां टीवी देखो बैठ के, एंजॉय करो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ भाई? बंटी गोविंद ने शेरा को खूब मारा और उसका सर भी फोड़ दिया। बता कहाँ है वो, बता। मैं वहां जा रहा हूँ। नो बंटी, वो तुम्हें पहचान लेंगे तो खत्म कर देंगे। वो मुझे पहचानेंगे तो कहानी एक तरफ मुड़ेगी, नहीं पहचानेंगे तो कहानी का रुख दूसरी तरफ। चाकू है तेरे पास? चलो कंफ्यूज करते हैं थोड़ा उनको। साफ़ मुझे तुम्हारे प्यारे चेरू भैया शहीद हो गए। ऐसे कैसे हो गया? साफ साफ साफ। कौन हो तुम? सलाम वालेकुम साहब, मेरा नाम बशीर है साहब। अरे वो बंटी गोविल यही छुपा है साहब, मैं वही बताने आपको आ रहा था तो उसने मुझे चाकू मार दिया साहब। पकड़ो साहब उसको। हे, किधर है वो? यही सामने वाली गली में छुपा हुआ है साहब। बस गली के अंदर पर साहब, छोड़ दो मसाले को। अयो बाजू हटा रे भैया। इस गली में तू कहाँ रहता है रे? पहले कभी देखा नहीं तेरे को। भैया डॉक्टर मना किया है, वो कहा है कि जोर लगाएंगे तो मर्दान की चली जाएगी। भैया पकड़ो उसे। भाई भाई उठो भाई। टुकड़े टुकड़े कर डाल इसके। नहीं, नहीं, बंटी,
छोड़ साले। इसको बुला रहा भाई। कौन चाहिए रे? लड़की? कौन मैं? राजेश, राजेश, ऑटो बुलाओ जल्दी। इधर क्या है? ढूंढो। जरा भी मिस मत करना, पूरा कवर करो। टीवी से अनीता बोल रही हूँ। डोंगरबट्टी एरिया में जो अन्याय हो रहा है, वहाँ एक प्यार करने वाली चोरी को खत्म करने तंबी स्वामी और उसके गैंग वाले चाकू छुरियों के साथ घूम रहे हैं। Thank you.
सर सर सर, वो लोग मेरे बेटे को मार डालेंगे सर। डोंट वरी, बस बस बहुत हो गया, यही काफी है, चलो। हेलो बेटे, बेटे तुम कैसे हो? टेलीकास्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हो रहा है बेटा, टेलीकास्ट हो रहा है बेटा। फिर पुलिस क्यों नहीं पहुंची अब तक? पुलिस पहुंच जाएगी बेटा, पुलिस निकल चुकी है यहाँ से। हमेशा लेट होते, छे। शरीर मिट्टी 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 बोलती थी, देखा कितनी मुसीबत है। हंसी तो आ रही है लेकिन पहुंच गए। कैलो बिस्तर चढ़ा। माता जी, वैशाली एक कार मिली। माता जी, बेटी वैशाली। हेलो रमा जी, कैसी हैं आप? आशीर्वाद दीजिए। कैसी हो? थैंक यू शिवानी जी, अभी तो आए हम। हम फर्स्ट नाइट यही मनाएंगे। देखो, फर्स्ट नाइट यही मनाऊंगा, तभी तय किया था जब इसको मिला था। तुम लोग तीन चार दिन तक यहाँ मत भटकना। मुझे शर्म आ रही है माता जी। शिवानी जी, आप जरा यहाँ रुकिए, आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। उधर देखिए तो सही, पहचाना उनको? शिवानी। शंकर, इतने साल मुझे छोड़ के कहाँ गायब हो गए थे तुम शंकर? ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है, but I miss you a lot. Me too, darling. इस मंत्र दंड को पकड़ कर मेरे करीब आ जाओ। पहले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आश्रम के सभी लोग शादी कर लेंगे। तुम जाओ बाबा, जाओ। बेहतर होगा आप चले जाएं इस वक्त।